मंतुंग मुनिराज भगवान आदिनाथ की स्तुति में भक्तावमर के आठवें काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी स्तु करूं ये स्तुति अगहान, प्रभु प्रभाव ही चित्त हरे का संतों का निश्चय से मान। जैसे कमल पत्र पर जल कण, मोती जैसे आभावान, दीपते हैं फिर छिपते हैं, असली मोती में है भगवान। क्या कहा इसमें? मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी स्तुति करूं। मैं कैसा हूं? मतिहीन। स्तुति करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिनकी स्तुति की जा रही है उनके प्रति सर्वस्व समर्पण। तू ही तू स्तुति में, तू ही तू जो कुछ है सो तुम हो। और जब ध्यान करते हैं तो मैं ही मैं। दोनों में यही अंतर है कि जब हम बहिर्मुख हों और प्रभु की स्तुति करें तो प्रभु के ही गुणों का गान करते हैं कि आपसे बड़ा और कोई नहीं है, आपसे महान और कोई नहीं है। और जब अंतर्मुख हों तो वह अपनी तुलना प्रभु से करें कि भगवान मैं भी चैतन्य घन आत्मा हूँ, राग द्वेष मोह आदि के प्रपंच में पड़ करके संसार बड़ा रहा हूँ, संकल्प विकल्प करके दुखी सुखी हो रहा हूँ, लेकिन मुझे तो निर्विकार शुद्ध ज्ञान घन को पा लेना है, यह ही मैं हूं। तो मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधिया तव प्रभावात चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननु उदबिंदु। मत्वा इति नाथ, हे नाथ मैं ऐसा मानता हूँ। तव स्तवनम मया इदम आरभ्यते, मेरे द्वारा जो ये आपका स्त्रोत्र आरंभ किया जा रहा है, तनुधियापि मैं कम बुद्धि वाला हूँ तो भी यह स्तोत्र तब प्रभावात, किसके प्रभाव से? आपके प्रभाव से। क्या करेगा? चेतो हरिष्यति सताम, सताम माने सज्जन लोगों के चित्त को हरण करेगा। उदाहरण क्या दिया? नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युतिम उपायति ननु उद्बिंदु। नलिनी दल, नलिनी मतलब कमलनी, नलिनी दल मतलब कमलनी के पत्ते। कमलिनी के पत्तों पर उद्बिंदु माने पानी की बूंदें आ जाती हैं तो कैसी दिखती हैं? और आपने गौर किया हो तो कमलिनी के पत्र में तो स्पेशल रूप से ही दिखती हैं, लेकिन कभी कभी घास पर भी अगर ठीक ढंग से बिंदु आ जाएं तो वो भी मोती के जैसे दिखने लगते हैं। ठीक दिशा हो, ठीक सूर्य की किरण का फोकस हो तो वो भी स्फटिक के मोती की तरह दिखते हैं। जिसका प्रभाव है कि वो सादा पानी की बूंदें और मोती जैसी दिख रही हैं, बताइए वो कमलिनी पत्र का प्रभाव है। कमलिनी पत्र सूरज का उजाला, दूसरी चीजें उसमें निमित्त हैं, लेकिन वो कमलिनी पत्र का प्रभाव है कि कमलिनी पत्र के ऊपर आए हुए पानी के कण वो मोती जैसे दिखते हैं। किसके प्रभाव से? कमलनी दल के प्रभाव से। कमलनी पत्र आपने पावापुर की, जिसने यात्रा की हो, पावापुर में कमल के पत्ते अक्सर कर फैले रहते हैं,
कमलनी पत्र, जैसे उस पत्ते के प्रभाव से सादा पानी भी मोती की तरह दिखाई देता है, ऐसे आपके प्रभाव से मेरे वचन भी मोती की माफिक सज्जनों की हृदय को प्रफुल्लित करेंगे। फर्क तो पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है। आप किसके आश्रय से स्तुति कर रहे हैं, आप किसके आश्रय से वो शब्द बोल रहे हैं, आप किसके आश्रय रह रहे हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप किसके शिष्य हैं, हैं? आप किसके भक्ते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, उन सब चीज़ों का महत्व होता है, प्रभाव तो पड़ता है। दो छोटी सी कहानी कि गरीब आदमी का काफ़ी सारा धन सेठ ने दबा लिया, गरीब सेठ का, कमज़ोर सेठ का धन किसी दूसरे बड़े सेठ ने दबा लिया, और फिर जब वो मांगता है तो देने को तैयार नहीं है। मेरे पास तुम्हारा कोई धन नहीं है, तुम्हारा कुछ जमा नहीं है, तुम्हारे पास था ही कब, वगैरह वगैरह, और वो मांगता है और उसे मिलता नहीं, वो परेशान होता है। एक बार वो क्या करता है, अपनी सारी बात राजा से कहता है, राजा से कहता है तो राजा उस पर भरोसा करते कि हाँ भाई, अगर तुम्हारा धन किसी ने दबा लिया है तो तुम्हें मिलना चाहिए। उसने कहा कि अगर मेरा धन मुझे मिल जाए तो मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मैं अपने पांव पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं वापस दुकान करूंगा, मैं वापस व्यापार करूंगा, सुख शांति का जीवन जीऊँगा। लेकिन जिसे मैंने दिया है वो देने को मना करते हैं, मेरा सारा का सारा दबा लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, आज हम नगर विहार के लिए जाने वाले हैं, नगर दर्शन के लिए जाने वाले हैं, आजकल देवताओं की सवारियां निकलती ना, बोले हैं अमुक अमुक देवता नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। और तो ठीक है, कुछ जैन श्रावकों ने भी यही चालू कर दिया कि महावीर भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे, पालकी निकलेगी मतलब। तो जो वर्तमान में प्रचलित शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग कर लिया कि आदिनाथ भगवान जन्म जयंती महोत्सव है तो भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे। दूसरे लोगों ने तो इस पर बहुत ज़्यादा ही काम चालू कर दिया, कोई भी देवता कभी भी नगर भ्रमण पर निकल पड़ते हैं, जनता चाहे जाम में फंस करके परेशान हो जाए। हाँ, तो जनता आग्रह करे कि महाराज आप ऐसे बार बार नगर भ्रमण पर मत निकला करें। जो भी है, राजा ने कहा आज नगर भ्रमण पर जाना चाहेंगे, और जैसे आप चाहें तो आप हमारे साथ नगर भ्रमण पर चल सकते हैं। तो उसने कहा महाराज मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं गरीब आदमी हूँ, वैसे भी कोई काम नहीं है, आपके चरणों में बैठा रहूँगा, आपके साथ आपके पीछे पीछे चल लूँगा, और जैसे रथ की सवारी निकली तो रथ के एक हिस्से में उसको भी खड़ा कर लिया। खासकर जब जबकि उस बाजार से निकले, बड़े सेठ की दुकान के पास से जब निकले, तो राजा ने उसके कान में थोड़ी सी बात करने का बहाना किया, बास पास मुंह कर लेते ना, तो धनपति ने सोचा कि ओहो, इस आदमी को मैं इतने दिन से परेशान कर रहा हूं, इसका सोना चांदी रुपया पैसा मैंने दबा रखा है, और इसकी पहचान तो राजा से है, और राजा और ये बात क्या कर रहे हैं, कहीं मेरी शिकायत तो नहीं हो रही है, अगर इसने राजा को मेरी शिकायत कर दी तो मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। उस समय राजाओं को तो इंक्वायरी करने की भी जरूरत नहीं होती थी, बस सीधा आदेश देते कि सामने वाले का लूट लो, कि उजाड़ दो, कि बस उनका सब माल असबाब सेना को ले जाओ और उठा के ले आओ। तो जैसे ही उसने देखा तो शहर गया, गड़बड़ मामला है, अगर अभी आएगा तो निश्चित रूप से बस ये राजा से नीचे उतर के आए और इससे बात करके फैसला कर लेना है, भगवान तब तक ये राजा से शिकायत
ना कर दे। और बस राजा की सवारी वहाँ से निकली और वो भी समझ गए और उसने भी कह दिया कि यही है दुकान, यही आदमी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप बस आप अपने घर जाइए। और घर तक तो नहीं पहुंचा कि तब तक बड़े सेठ जी आ गए। तो उसने कहा अचानक, सेठ जी आप अचानक कैसे आ गए, आप आपको तो टाइम नहीं मिलता, आप बहुत बिजी रहते हैं, आप मुझे बुलाते तो मैं खुद ही आ जाता आपके पास में। उसने कहा कि देखो भाई, आज मैं बहुत अच्छी बात मुझे मालूम पड़ी, जब पुराने कुछ बही खाते देखे तो देखा कि सच में तुम्हारा बहुत सारा धन जो है पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं ब्याज के तुम ले लो, तुम भी तो आखिर मेरे साधर्मी भाई हो और तुम्हारी तरक्की होना हमारी तरक्की होना एक ही बात है, तो तुम्हारा जो कुछ भी बनता है उससे सवाया देने को मैं तैयार हूँ और आज ही ले लेवा के। पहले मैंने कुछ गलत कह दिया हो भूल से तो मुझे माफ करना। किसके प्रभाव से? इसलिए कहते हैं कि संगति करो तो भी बड़ों की करो। तमः समम गुणादो समणो समनम गुणे ही वा अधिगम अधिवसति तमीणिच्छम इच्छति यदि दुख परिमुखम। बड़ी सुंदर गाथा है। कौन से शास्त्र की है? प्रवचन सार की गाथा है। प्रवचन सार में 270 नंबर में ये गाथा कही है कि तम्मा समम गुणादो, इसलिए तुम हे श्रमणो, अगर तुम किसी की संगति करना चाहते हो तो किसकी संगति करो? चुल्लक जी किसकी संगति करो? अपनों से बड़ों की, अपने से ज्यादा गुण वालों की, अपने से ज्यादा गुस्सा वाले की संगति करोगे तो क्या होगा? आपका गुस्सा सीख जाओगे। अपने से ज्यादा मान करने वालों की संगति करोगे तो क्या होगा? मान करना सीख जाओगे। अपने से ज्यादा कोई छल कपट लोभ लालच करने वाले के साथ रहोगे तो क्या होगा? लोभ लालच सीख जाते हैं, आदत आ ही जाती है। बोले उनके पास दो चिटाई है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उनके पास एकदम लेटेस्ट घड़ी आई है तो मुझे पास भी होना चाहिए, आ ही जाता है। और देख रहे हैं कि इनके पास तो खोल रहे हैं कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे लगता है कि देखो कुछ नहीं है और कैसे आनंद में रहते हैं। यूं पीछे का मंडल उठाया और फुर्र। तो अपन भी ऐसे बनो। तम समम गुणादो समणो समणम गुणे ही वा अधियम, इसलिए समान गुण वालों की संगति करो या फिर अधिक गुण वालों की संगति करो। समान गुण वालों की करो या फिर अधिक गुण वालों की, गुण गुण वालों की नहीं, गुण। हाँ वैसे गुण वालों की संगति करो तो गुड़ खाने को मिलेगा, और नीम वालों की संगति करोगे तो निवौरी खाने को मिलेगी कड़वी। इसलिए संगति किसकी करो? गुण वालों की। गुणी जनों को देख हृदय में, उनकी सेवा करें, उनकी संगति करें, तो वैसे गुण अपने में भी आएंगे। अधि बसदु तम्मी निच्चम, नित्य ही बहुत समय तक ज्यादा गुण हैं जिनमें उनके पास रहो, उनके साथ ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, श्रद्धा है, तप है, क्षमा है, मृदुता है, सरलशीलता हो, कोई भी गुण है। गुण से बड़े हुए लोग भी बहुत कम मिलते, और मिले तो उन गुण वालों की संगति करो। अक्सर कर लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा नेता जैसा दिखूं और मैं अपने से बड़े की संगति करूंगा, बड़े के साथ में रहूंगा तो मैं छोटा दिखूंगा, इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि दो चार मेरे से कमजोर लोग मेरे आसपास रहें।
तो इससे वो जो दो चार कमजोर हैं कई बार ये भी उनके जैसा और ढीला तो है ही और ढीला पड़ जाता है। इसलिए अपने आसपास दो चार हों कमजोर टाइप के वैसे नहीं, ऐसे ही बनाओ। देखो कि हमें आत्महित साधना है तो जो रत्नत्रय आदि गुणों से अग्रेसर हैं आगे हैं उनकी संगति करें, उनके अनुशासन में रहें, उनके पास रहें, तो उनके प्रभाव से क्या होगा, आपका जीवन भी वैसा ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। ऐसे ही भगवान की स्तुति में कहा है कि आपकी स्तुति करने से, आपके प्रभाव से स्तुति किसकी है, ये लेखक मैं हूं इसलिए मेरी स्तुति फेमस हो जाएगी, मैंने लिखा है इसलिए भक्तांबर सारी दुनिया पढ़ेगी, मैं लेखक हूं इसका इसलिए इससे सारी बीमारियां दूर होंगी, लोग भक्तांबर थेरेपी के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, लोग भक्तांबर ध्यान, भक्तांबर भक्तांबर दीपार्चन, बहुत सारी चीजें रैकी, हाँ, तो इससे करेंगे, तो मैं लेखक हूं इसलिए नहीं हो रहा है, वास्तव में स्तुति आपकी है इसलिए स्तुति प्रभावशाली सिद्ध हुई, सिद्ध होगी और जन जन के चित्त को हरण करेगी। इसलिए इधर उधर के गीत गाने गाने से अच्छा है भगवान की स्तुति गाएं, भजन गाएं, भगवान के भजन होने से वे प्रभावशाली सिद्ध होंगे और आपके लिए हितकारी सिद्ध होंगे। सौभाग्यशालियों, यह स्त्रोत्र भगवान आपके प्रभाव से लोगों के चित्त को वैसे ही हरण करेगा जैसे कि कमलनी के पत्र पर आई हुई मोती की बूंदें। और आप देखिए मानतुंग स्वामी की भावना ये पूरी तरह से आज सिद्ध हो रही है। आज जितने सारे स्त्रोत्र हैं उन सबों में सबसे ज्यादा मान्यता किसकी है, भक्तामर जी की। सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उसमें ढेर सारी भावनाएं जुड़ी हैं और खास साथ बीत रागी आदिनाथ स्वामी 24 तीर्थंकर की स्तुति जुड़ी है। और स्तुति भगवंतों की स्तुति करने से निश्चित रूप से आदि व्याधियां दूर होती हैं और प्रभु की संगति करने से हमारा आत्मा भी प्रभु बनता है, अपन भी उनके पद चिन्हों पर चल करके और उन स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।